हैप्स द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग इन ट्रांसपोर्टेशन इन द लास्ट वर एवर फिफ्टीन ईयर्स द सर्ज ऑफ एलेक्ट्रिक कार्स इन द मार्केट इतनी हो गई हैं इतने मैन्यूफेक्चरर्स हैं अब मैं आपको दिखाऊंगा एक मिनट के अंदर स्पेशली चाइना में देखें टेस्ला कत हर जगह नाम है अमरीकन बहुत सारे शेबी लीफ वगैरह निशान वगैरह जैपनीज कार तकरीब हर ऑटोमोबील मेकर उनकी समझ में ये आ गया है कि अगर हम इलेक्ट्रिक कार नहीं बनाएंगे तो इस बिजनेस से आउट हो जाएंगे ये बिल्कुल बहुत ही क्लियरली उनके दिमाग में आ गया है क्योंकि फ्यूचर की जो कार है ना वो इलेक्ट्रिक कार है वो बाकी किसी फ्यूल कोई भी फ्यूल लगा लें बजाय इसके हाइड्रोजन के अलावा कोई भी फ्यूल लगा लें उससे कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड कम करने का सारी कहानी है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रिक कार है अच्छा ये जरा सोच लें आप इस पर बात करेंगे और भी थोड़ी आगे जाके कि इलेक्ट्रिक कार की इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक कार क्या होती है उसका आप घर गए और उसमें आप उसमें बैटरी है ठीक है ना और बहुत सारे चीज़ें होते हैं हाइब्रिड भी होते हैं ये भी होते हैं लेकिन अगर प्योर इलेक्ट्रिक कार की बात करें तो उसमें एक बैटरी है वो बैटरी जब तक के चलेगी गाड़ी चलती रहेगी बैटरी खत्म होगी गाड़ी ख़त्म सीधी सी बात है ये पेट्रोल की तरह है कोई दई चीज़ नहीं है ब, बस इतना फर्क है कि पेट्रोल में एक टैंकी भरा लें ऑन एन एवरेज चार मील पाँच मील चल जाती है गाड़ी इलेक्ट्रिक कार की बैटरी जो है ना दो सौ सौ मील के बाद रुक जाती है तो इसका मतलब दो सौ ढाई और फिर आप जाके पेट्रोल की गाड़ी आप पेट्रोल पंप में चले जाए पेट्रोल भर गया अगले चार सौ मील चल गई गाड़ी अब ये गा जो आपकी बैटरी डाउन हो गई उसको फिर चार्ज करने में बहुत सारे अब उसकी नई चीज़ें आ गई हैं फास्ट चार्जिंग ये वो लेकिन पच्चीस तीस चालीस मिनट तो लग ही जाते हैं अब मुझे जाना है कहीं इमरजेंसी में अब एकदम से बैटरी खराब हो गई तो ख़त्म हो गई तो क्या करूँगा बैठ के चालीस मिनट फिर सिगरेट पीना पड़ेगी या पान खाना पड़ेगा तो वो उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है और दूसरी बात ये कि बिजली आती कहाँ से है चार्ज करने के लिए आती आ, आपके घर में से बिजली है ना घर की बिजली उसको आप लगा देंगे तो वो ग, बिजली घर की जो है वो इलेक्ट्रिक प्लांट से आती है ना पावर जनरेशन प्लांट है पावर जनरेशन प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी बन कहाँ से रही है या कोयले से बन रही है या गैस से बन रही है तो वो फॉसल फ्यूल का इस्तेमाल तो वही है तो फिर फायदा क्या हुआ दो फवाद हैं और बहुत इंपॉर्टेंट फवायद एक तो ये कि जहां अगर पावर प्लांट में बिजली बन रही है ना तो वो एक जगह बन रही है ये हो सकता है कि आप उसमें कोयला जलाएं गैस जलाएं तो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड निकले उसको आपको कैप्चर करके या तो कहीं दफना दें यह है ये भी एक पॉसिबिलिटी है या उसका फिर कोई केमिकल बना दें कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि उनसे फिर आप कैसे अल्कोहल कैसे बनाएंगे और फिर उसको दोबारा इस्तेमाल कैसे करेंगे तो ये एक पॉसिबिलिटी है तो लेकिन एक जगह से निकल रही कार्बन डाइऑक्साइड और उसको जमा करना बहुत आसान है अब अगर हम अपनी अपनी गाड़ियां चलाएं पेट्रोल वाली तो हर एक गाड़ी से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उसको कैसे जमा करेंगे तो उसका जमा करने का हमारे पास कोई इस वक्त तक के प्लान नहीं है कोई प्रोग्राम नहीं है कोई हो नहीं सकती तो वो एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है दूसरी जो, जो मुख्तलिफ इसमें है वो ये कि आप, आपको मैंने बताया था जो गाड़ी चलती है ना उसकी एफिशंसी उन्नीस बीस फीसद है बीस फीसद एनर्जी आप चलाने में लगा लें बाकी वेस्ट हो गई ये नेचुरल प्रोसेस है हम नहीं करते कुछ इस बारे में जो इलेक्ट्रिक प्लांट है पावर प्लांट है उनकी एफिशिएंसी 45 पचास फीसद तक के चली जा सकती है तो वो 50 फीसद ये 20 फीसद तो वहाँ बेहतर ये कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए फिर उसको लेके गाड़ी को चार्ज किया जाए गाड़ी की बैटरी चार्ज की जाए तो ये एक ये दो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इलेक्ट्रिक कार के लिए समझने के लिए तो ये आजकल हर जगह इलेक्ट्रिक कार हो गई है वो जो टेस्ला से है जो पचासी हजार डॉलर से चली थी अब थोड़ा सा कम करके उन्होंने पचपन हजार साठ हज़ार कर दिए क्योंकि काफी सारे टैक्स उनको माफ होने लगे हैं तो लेकिन पचास साठ हजार डॉलर अभी भी लग जाते हैं एक टेस्ला खरीदने की छोटी से छोटी टेस्ला अब मैं आपको कीमतें बताऊँगा इनकी लेकिन आप चाइना जाए तो वहाँ आपको मैं एक दिखाऊँगा गाड़ी जो दो डॉलर की गाड़ी वो आपको घर पे ला देंगे और बिल्कुल इलेक्ट्रिक कार है लेकिन वो डिबिया है उसके अंदर एक बैटरी लगी हुई और एक मोटर लगी है वो चला लें वहां से घर से वहाँ चले जाए कॉलेज यूनिवर्सिटी चले आए यूनिवर्सिटी से वापस आ जाए बस इतना काम है उसका लेकिन अगर सारा काम जैसे मैंने बताया था ना कि अमेरिका में एक एक गाड़ी सिर्फ पंद्रह या बीस फीसद वक्त में चलती है बाकी खड़ी रहती है तो अगर यही है सूरत तो क्या जरूरी है कि आप एक मर्सिडीज बैंट चला के जाएं है ना मर्सिडीज बैंड चलानी है तो फिर माल पे चलाए आदमी थोड़ा सा घूमे फिर हवा खाए अगर सिर्फ काम पे जाना है वापस आना है तो वो डिबिया चला के जाए डिबिया चला के वापस आ जाए पैसे भी बचेंगे एनवायरनमेंट भी, भी बिल्कुल अच्छी थी, ठीक हो जाएगी तो ये सारी चीजें इन इलेक्ट्रिक कार में आती है अब ये बहुत सारी इसमें है ईवी इलेक्ट्रिक कार ये सारे एक्म हर जगह देखेंगे किस्म के बिखरे हुए जी ईवी जीरोके जैसे हाइड्रोजन वाली है ना उसमें हाइड्रोजन में कोई वो नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल ई वी बी ईवी बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसमें बैटरी है सिर्फ और कोई इंजन नहीं है एच ई वी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल हाइब्रिड जैसे हाइब्रिड का मतलब है कि इंजन भी है रेगुलर पेट्रोल वाला इंजन भी है और बैटरी भी है दोनों है ज़्यादातर बैटरी से चलेगी जहां ज़रूरत पड़ी तो वो फिर आ, इंजन से काम चलना शुरू हो गया फिर प्लग इन पी एच ई वी प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लग इन हाइब्रिड में ये है कि वो जो आ, जो हाइब्रिड वाली है ना एच ई वी जो उसके जो बैटरी चार्ज होती है वो इंजन जो आ, अपना रेगुलर पेट्रोल वाला इंजन है जब वो चलता है तो उसकी बैटरी चार्ज होती रहती है अब जो ये प्लग इन हाइब्रिड में ये है कि एक बैटरी है बिल्कुल अलग से है उसको आप घर जाके चार्ज करना पड़ती है अलग से तो उसकी कुछ एडवांटेजेस भी हैं कि ज्यादा इंजन नहीं चलता तो कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा नहीं निकलती तो ये सारी एक्रोनिम है सारी चीज़ें मौजूद हैं इस वक्त अब ये इलेक्ट्रिक कार जो है ई ये देखें ये टेस्ला है निसान है शेवी है ई कार्स जो आ रही हैं चाइना से ये तो ये आगे वाली मार्केट है मैं आपको छोटी वाली मार्केट बताऊँगा तो ये टेस्ला मॉडल जो है अब ये पैंतालीस हजार का हो गया पिचासी हजार से चला था पिचासी हजार से इसकी प्रोडक्शन आजकल जो सबसे ज्यादा गाड़ी प्रोड्यूस हो रही है वो टेस्ला है और पैंतालीस हजार तक के उसकी नीचे कर करके अब उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि अगर इसको छोटी कर देना तो हम आपको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट दे देंगे तो पचासी हजार जो थी गाड़ी उसकी पैंतालीस और कुछ मिला मिलू के पचास हजार तक के मिल जाती है वो कितना बड़ा फायदा है उसके फिर टैक्स बेनिफिट और भी उसके आगे मिलते हैं तो बहुत आजकल उन्होंने जो जो अफोर्ड कर सकता है वहाँ पे खैर ये इतना बड़ी बात नहीं है अफोर्ड करना लेकिन बाकी जगहों के लिए यकीन एक मुश्किल है तो इस वजह से टेस्ला सिर्फ स्कैंडिनेविया में नॉर्वे स्वीडन वगैरह के अंदर कभी कहीं कहीं यूरोप में या अमेरिका में कामन है बाकी किसी जगह जाएंगे तो इतनी ज़्यादा टेस्ला नज़र नहीं आएगी जो नज़र आती है वो ज़्यादातर कुछ और हैं जो मैं आपको बताऊँगा अब ये देखें कि ये जो रे है ये देखें नई गाड़ियाँ जितनी मार्केट में आ रही हैं ये सालों के हिसाब से है ना अब हम लोग 2023 में हैं तो 2023 में अभी भी जितनी भी गाड़ियां ज्यादातर आ रही हैं वो ये पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां हैं थोड़ी बहुत जो अब शुरू हुई है वो हाइब्रिड शुरू हुई हैं जैसे टोयोटा हांडा टोयोटा की जो प्रियस है बड़ी मशहूर वो मेरे पास एक मेरी बेगम के पास है मेरे पास तो बाईसइकिल है तो मेरी बेगम के पास एक हाइब्रिड है वो टोयोटा प्रियस ही है और भी जो है प्लग इन हाईब्रिड बैटरी इलेक्ट्रिक ये फ्यूल सेल वाली जो है फ्यूल सेल वाला बहुत ही छोटा सा एक है वो जो आगे जाके देखेंगे वो फ्यूचर में इन ऐसा उसका बढ़ेगा फ्यूल फ्यूल सेल जो है वो हाइड्रोजन से चलता है तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं ख़त्म हो जाएंगी ख़त्म होना है अगर खत्म नहीं होंगी तो हम खत्म हो जाएंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अफेक्ट है वो इतना बुरा है कि वो इंसान पे इतना अफेक्ट पड़ेगा कि बंदे ख़त्म हो जाएंगे अगर ये पेट्रोल वाली गाड़ियां ख़त्म नहीं होंगी ये चाइनीज कहानी है अब देखें चाइना में पाँच सौ मेकर्स हैं पाँच सौ फाइव हंड्रेड ऑटोमोबल टेक्नोलॉजी ऐसी है जो अगर गुजरा वाला या वजीराबाद वाले लोगों के दिमाग में थोड़ी सी आ जाए ना बात कि कितनी आसानी से बन सकती है कि वो शेल तो बहुत ही आसानी से बन सकता है हमारे पास अभी भी बनता है वो जितना उसका स्ट्रक्चर जो है उसके अलावा उस गाड़ी में है क्या एक बैटरी है एक मोटर है और कुछ नहीं है कोई इंजन नहीं है कि जाके उसमें तेल डालना पड़े जी इसकी सफाई करनी पड़े ये कुछ कोई कारपोरेटर वगैरह कुछ नहीं है स्पार्क प्लग एक मोटर है एक कन्वर्टर है और बस गाड़ी है तो ये इतनी आसानी से बन सकती है और सब जगह बननी शुरू हो गई है ये अगर चाइना में 500 सौ मैनुफेक्चरर्स हैं तो हमारे पास क्यों नहीं हो सकते एक दो मैन्युफैक्चर और इतनी सस्ती तरीके से बन जाएगी कि लोग भूल जाएंगे बिल्कुल पेट्रोल की गाड़ी खरीद के चलाना उसकी कॉम्प्लिकेशन है इतनी आसान नहीं है इलेक्ट्रिसिटी फिर भी आनी है बिजली का भी तो आजकल देख रहे हैं क्या शुरू हुआ हुआ है तो चाइना ने एक बहुत बड़ा प्लान करके उन्होंने बनाया था 2025 तक के उन्होंने एक बहुत ही मेजर प्लान बनाया है कि सारी गाड़ियाँ जो है ना जितने भी पेट्रोल वाली गाड़ियाँ उनको खत्म कैलिफोर्निया स्टेट में भी दो के बाद कोई नई गाड़ी पेट्रोल वाली नहीं बेच सकता सबको इलेक्ट्रिक कार इस्तेमाल करनी पड़ेगी इसकी अच्छाई समझना तो बहुत आसान है लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है ना अब जैसे हमारे पास पेट्रोल यहाँ से जाएंगे तो दस कदम पे एक दूसरा पेट्रोल पंप आ जाएगा कोई मसला नहीं है एक पेट्रोल ख़त्म हो गया थोड़ी दूर आगे चल गए मोटरसाइकिल का उमन पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो कभी वो ऐसे टेढ़ा करके चला लेते हैं कभी धक्का दे के दूसरे पेट्रोल पम्प तक चले जाएँ ये हमारे पास ये वो इलेक्ट्रिक वो नहीं है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर कि कहीं भी जाए उसका हाई वोल्टेज की जरूरत ही होती हाई करंट की ज़रूरत होती है तो वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी दुनिया में कुछ ही जगहों पे है नॉर्वे में है यूनाइटेड स्टेट्स में अब बन रहा है तो वो सारी जगह बड़ी बात यह है कि टेस्ला जैसी गाड़ी जो है ना वो कहती है ख़ुद कुछ नहीं कहना पड़ता वो खुद ही कहती है कंप्यूटर लगा हुआ है वो कहती है जब हमारे पास बीस फीसद एन रह गई है तो अब यहाँ चलते हैं आपने जाना गिद्दू बंदर है वो कहते हैं वहाँ नहीं जा सकते हमें यहाँ जाना चाहिए फिर वो आपको लेके सीधा खुद ही लेके जाएगी डायरेक्ट करके कि ये यह यहाँ पे बिजली का वो है आप वहाँ जाके वो ले आगे खड़ी कर देगी कि आप जब तक कि आप भरेंगे नहीं मैं आगे नहीं जाऊँगी तो आप क्या कर सकते हैं तो वो फिर मजबूरन उसको चार्ज करना पड़ता है तो ये ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप करके तभी ये सारे काम हो सकते हैं हाइड्रोजन का भी हाइड्रोजन का तो बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इलेक्ट्रिक कार का भी जो किसी किसी जगह है हर जगह नहीं है